मेरा नाम हिजाब है, मैं 10th ग्रेड में पढ़ती हूँ। 2 साल पहले मैं 8th क्लास में थी, तब से ही मुझे न्यूट्रिशन के बारे में पता चला था। मेरा नाम जारा है, मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। गुड न्यूट्रिशन हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे बढ़ने के अमल में मदद देती है। More than 50% of our youth, young girls, women of reproductive age, and even children under 5 are anemic with iron deficiency, anemia being a major micronutrient deficiency. हमारे स्कूल में एनीमिया यानी खून की कमी के बारे में बहुत सी एक्टिविटीज़ हुई जिनमें मैंने हिस्सा लिया। न्यूट्रिशन के बारे में हमें हमारे स्कूल में डॉक्टर्स आए थे, उन्होंने हमें बताया था। हमारे टीचर्स ने भी बहुत हमारी हेल्प की थी इस बारे में समझने के लिए, और डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स ने भी बहुत अच्छी तरह से हमारे आगे एक्सप्लेन किया था। एंड आई थॉट इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी एंगेज एंड स्टार्ट अ पायलट ऑफ एंगेजिंग विद दीज एडोलेसेंट गर्ल्स इन स्कूल, एंड इट वाज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू लर्न हाउ इट कुड बी डन एंड वेदर वी वुड हैव एनी बैकलैश। मैं इमामत करता हूँ, तदरीसी फराइज अंजाम देता हूँ और एक टीचर भी हूँ, और बच्चों में अवेयरनेस भी पैदा करता हूँ वालिदैन के अंदर भी, और ख़ास तौर पर इफा ही काम कर रहा है इस हवाले से, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं लोगों की, बच्चों की, खास तौर पे बच्चियों की सेहत के हवाले से जो खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं बड़े अच्छे हैं। गुड न्यूट्रिशन से मुराद वो चीज़ें जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, जैसे दालें, गंदम, अनाज, फल, सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ वगैरह। इसके फ़ायदे बहुत से थे, मुझे भी इनसे बहुत फ़ायदा हुआ था क्योंकि मेरी स्टडी में भी बहुत हेल्प हुई थी इससे, मैं हर एक्टिविटी में हिस्सा ले सकती थी। व्हेन यू से द इंपैक्ट ऑफ आवर डेमोंस्ट्रेशन फेज, we started the VIFA supplementation program for in school adolescent girls with the CAP baseline survey, and on that point in time the awareness raising about anemia among the adolescent girls was 4%, while the end line, the third party end line, says that it is 94% awareness. All these programs are very much aligned with the government strategies and priorities, and we are aiming to support technically and financially to take their strategies and policies into implementation. This is a weekly iron folic acid administration and supplementation, and government isko isliye support kar rahi hai kyunki iski zarurat hai, aur nutrition international jo hai wo hamara strategic partner hai, uske sath milke hum IRMNCH ki umbrella ke andar district health authorities ko implement kar rahi hai, hamari jitni bhi school going bachiyan hain unki supplementation ki jati hai. अभी तो ये हमारे सिर्फ एक तहसील में स्टार्ट हुआ था, अब अगर इसको हम दूसरी तहसीलों में, ज़िलों में या पूरे कंट्री में अगर हम इसको स्केल अप कर लें तो मेरा ख़्याल है ये बहुत अच्छा होगा उन बच्चियों के लिए जो दही इलाकों में रहती हैं या दूसरे शहरों में भी रहती हैं। एडोलेसेंट न्यूट्रिशन प्रोग्राम का इम्पैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो पाकिस्तान में फ़िलहाल तो हम वीकली आयरन फोलिक एसिड दे रहे हैं एडोलेसेंट गर्ल्स को न्यूट्रिशन इंटरनेशनल के ताबून से, लेकिन ये सिर्फ एक कंपोनेंट है, असल में इसके साथ साथ हमारा जो फोकस है वो बिहेवियर चेंज के ऊपर है। सो देयर वर मेनी इनिशियल क्वेश्चंस व्हेन वी वर स्टार्टिंग, बट वी डेमोंस्ट्रेटेड इट कुड बी डन, इट इज़ वेरी मच एक्सेप्टेबल, एंड दीज यंग गर्ल्स इन लोधरा, they actually not only became part of that, they became very active in wanting to take it forward. मैं अपनी क्लास की लड़कियों को बताती हूँ कि टीचर की बात गौर से सुना करो, कि वो गुड न्यूट्रिशन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझाती हैं। जो मैं यहाँ स्कूल से सीख कर जाती हूँ अनीमिया के बारे में और गुड न्यूट्रिशन के बारे में, तो मैं अपने कज़न्स को भी बताती हूँ, रिश्तेदारों के बच्चों को भी बताती हूँ। मैं कहती हूँ मुझे फ़ायदा हुआ तो सबको फ़ायदा हो।